सत्तू की रोटी शेयर करने जा रहे हैं और ये देखिए वन बॉल में सत्तू ली हूँ और ये वन बॉल व्हीट फ्लोर बिग और ये कलर अकॉर्डिंग टर्मेरिक पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, साल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये वन ऑनियन और ये छोटा सा टुकड़ा जिंजर और ये ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून। आप इसमें ग्रीन चिली और अजवाइन, जीरा और गार्लिक का पेस्ट ये भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ ये सब सामग्री। और ये वन बिग टेबल स्पून मैं ऑयल डाल दी हूँ और सारे का पेस्ट बना के वो सारे सामग्री मैं मिक्स करके इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब चलिए इसको रोटी के जैसे आटा जैसे गूंधते हैं उसी तरह से इसको गूंधना है। तो देख लीजिए अभी हम आटा गूंध लिए हैं और इसे 5 मिनट्स तक ढककर छोड़ दीजिए और भी ज़्यादा नरम और कुरकुरेट क्रिस्पी बनती है, बहुत ही अच्छी। और ये देखिए 5 मिनट्स के बाद मैं डब बना ली हूँ। अब चलिए इसको रोटी के जैसे बेल लेते हैं। ये आप सफ़र में भी बना के ले सकते हैं। ये देखिए हम बेल लिए हैं पतले। अब चलिए इसको हम तवा पे सेक लेते हैं। तो तवा गर्म हो गया है, इस पर हम ये देखिए रोटी डाल दिए हैं और वन साइड सिक गया है। तो वन साइड सिकने के बाद हम दूसरे साइड पलट देंगे इस तरह से। और दूसरे साइड पलटने के बाद फिर अगेन उसको दोनों साइड से इस तरह से सेक लेंगे। सेकने के बाद लास्ट में हम ऑयल या घी जो भी आप घर में यूज करते हैं वो आप इस पे थोड़ा सा लगा करके इस तरह से ब्राउन सेक लें। और इसे आप अगर सफ़र में बना के ले जाना चाह रहे हैं तो आप इसमें ऑनियन और गार्लिक का पेस्ट बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो ख़राब हो जाता है। विदाउट गार्लिक और ऑनियन का बनाएं, वह 2-3 दिन तक चलता रहता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, सबको। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, कुरकुरे और क्रिस्पी। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन बजाना नहीं भूलिएगा फ्रेंड, ताकि नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा लिख करके, और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।